एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज़ निराक्षी लव सर। मेरे हाथ में और मुझे इतने सारे सामान के बीच में देख के आप सभी को कैसा लग रहा है? टाइटल से तो आपको पता चल ही चुका होगा कि मैं यहाँ वीडियो बना रही हूँ मेरी परी के वेलकम वाले जो पार्टी दी थी हमने, नामकरण पार्टी। उसमें जो भी गिफ्ट्स लेके आए थे, वो क्या क्या गिफ्ट्स लेके आए थे, इतने क्यूट क्यूट गिफ्ट्स जो आप सभी मेरे हाथ में देख रहे हो और मेरे चारों तरफ देख रहे हो, वो परी के लिए है। यस, और परी की मम्मा होती है एक्साइटेड है जितनी परी सो रही है और मम्मा उसकी वीडियो बना रही है। जल्दी से उसको सुला के आई हूँ। और चलिए, टाइटल से तो आप सभी को पता चल गया है, तो हम विदाउट एनी डिले आगे बढ़ते हैं और जल्दी से आप सभी को दिखाते हैं कि परी को दिया किसने क्या क्या और इतने सारे गिफ्ट्स क्या क्या मिले। तो इन सभी को अनबॉक्स तो हम पहले ही कर चुके हैं। पहले ही अनबॉक्स किस लिए कर चुके हैं? ताकि इसमें से आवाज़ ना हो और टाइम थोड़ा सा कम लगे। तो सबसे पहले मेरे पास ये दो सॉफ्ट टॉय थे, तो मैं इन्हीं दोनों पे बताती हूँ ये किसने दिया। तो ये बीच वाली दीदी लेके आई थी ये सॉफ्ट टॉय, बहुत ही सुंदर है। परी थोड़ी सी बड़ी हो जाए तो उसको दें। ये जो है इनके एक फ्रेंड लेके आए थे और उनका नेम है हिमांशु तिवारी। यस, वो लेके आए थे और ये बहुत सुंदर सा कैटरपिलर है ये देखिए। तो ये परी अभी भी खेल सकती है, कुछ महीने की हो जाएगी तब। पहले सॉफ्ट टॉयज ही दिखा देते हैं सारे। तो एक और सॉफ्ट टॉय हमारी परी को मिला है, ये बहुत ही सुंदर सी डॉल है और ये भी इनके फ्रेंड आए थे, सोसाइटी में ही हैं। मैं अभी लोगों को कम जानती हूँ और इनके फ्रेंड्स भी हैं, लेकिन अभी इतना ज़्यादा नहीं जानती हूँ मैं तो कोई बात नहीं। ये देखिए कितनी ही प्यारी डॉल है, इतनी सुंदर, इतनी क्यूट सी है। और भैया का नाम है नवीन तिवारी जी, उन्होंने ये परी को दिया है। बहुत ही क्यूट सी डॉल है, बहुत अच्छी है। दिखा देती हूँ मैं, ये हम निकाल चुके हैं। इसे रैकर कहते हैं, शायद रॉकर कहते हैं, समथिंग आपने भी सजेस्ट किया था। इस पर लिखा हुआ है कैरी कॉट बाउंसर। तो ये दिया था भैया ने, विपिन भैया ने। एक्चुअली वो बड़ी वाली दीदी के फ्रेंड हैं, तो इनके भी फ्रेंड और सभी जिन्होंने भी गिफ्ट्स दिए हैं, सभी को बहुत बड़ा थैंक यू, क्योंकि बहुत प्यारे प्यारे गिफ्ट्स हैं, बहुत ही अच्छे। कोई भी किसी के लिए गिफ्ट लेता है ना, तो बहुत सोचता है, क्योंकि हम भी कहीं जाते हैं किसी के फंक्शन में, तो इतना सोच समझ के गिफ्ट लेते हैं, इतनी मेहनत से लेते हैं, और पसंद ना आए तो बुरा लगता है। लेकिन मुझे सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी। आप सभी ने इतना सोच के परी के लिए इतनी सारी चीज़ें ली, तो पहले तो सभी को ही थैंक यू जिन्होंने भी इतने प्यारे प्यारे गिफ्ट्स दिए हैं परी को। और ये जो है ये गिफ्ट, इस पर नेम नहीं लिखा हुआ था। बाकी कई सारे गिफ्ट ऐसे हैं जिस पर जो नेम स्लिप है ना, मुझसे भी मिस हो गई है, तो मैं आप सभी को दिखा देती हूँ कि क्या आया है। बाकी कोई बात नहीं, जितने भी लोग आए थे सभी को ही बहुत बड़ा वाला थैंक यू मेरी तरफ से भी और झाजी की तरफ से भी, और परी भी आप सभी को थैंक यू बोल रही है। तो ये इतना क्यूट सा है, छोटा सा है, परी अभी इसके साथ खेल सकती है एक दो महीने बाद, तो ये भी बहुत सुंदर है। और साथ ही साथ इसके साथ ये भी था। इसके बाद मैं बताती हूँ, ये देखिए बहुत प्यारी चीज़ दी है कुणाल भैया ने और नेहा भाभी ने। इनके बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, उन्हें मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये है बेबी बाथर, इस पर बच्चे को आप लिटा के अच्छे से और नहला सकते हो, परी को नहलाएंगे इस पर, आप सभी के साथ वीडियो शेयर करेंगे, बहुत ही प्यारा है। मैं निकालूँ इसे, निकाल के इसे ना असेंबल करना पड़ेगा। ये कुछ इस तरीके का है, चेयर जैसा है और चेयर पर नेट लगा हुआ है और पिंक कलर का है। इसके पास ना पिंक कलर की इतनी सारी चीज़ें हो गई है, ड्रेसेस तो सिर्फ पिंक कलर की हो गई है। और अब दिखाती हूँ मैं आप सभी को, इन्होंने भी ड्रेस दी है, बहुत प्यारी है परी के लिए, बहुत क्यूट सी ड्रेस है। ये देखिए डांगरी टाइप की है, जब ये थोड़ी बड़ी हो जाएगी, 2 साल की हो जाएगी शायद, तब पहन पाएगी। और ये प्रखर भैया ने दिया था, प्रखर भैया आए थे और बहुत ही सुंदर सी ये भी ड्रेस है, बहुत ही अच्छी है। और आगे मैं दिखाती हूँ, इसको ड्रेसेस बहुत अच्छी अच्छी मिली हैं, विजय आनंद भैया ने दिया है, ये भी इन्हीं के ही फ्रेंड हैं। और इसमें ड्रेस है शायद, हाँ इसमें ड्रेस है, येलो कलर की है, मैं दिखा देती हूँ आप सभी को, इस टाइप की है, ठंड की है और इसके साथ पैंट है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत अच्छी है। साथ ये देखिए क्या कोइंसिडेंस होता है, सेम थोड़ा सा बस कलर डिफरेंस है, पर 2 अलग अलग जनों ने दिया है। ये मैं बता देती हूँ, ये संगीता दीदी ने दिया है, संगीता दीदी और कविता दीदी, मैं बताऊँ तो इनकी बड़ी सिस्टर है, मेरी ननद है, मेरी सिस्टर इन लॉ है, बड़ी वाली मतलब दूसरे नंबर के चाचा की डॉटर्स हैं। तो
बहुत ही सुंदर ये भी लगा, और साथ ही साथ ये इनके किसी फ्रेंड ने दिया है। और मैं दिखाती हूँ, ये देखिए इसमें क्या है। इसमें भी परी के लिए बहुत सुंदर सी ड्रेस है जो लेके आए हैं नीतू, रतिश एंड किड्स, फ्रॉम नीतू एंड रतिश भैया ये लेके आए हैं। बहुत सुंदर सी एक फ्रॉक है और इसके साथ ही साथ एक और फ्रॉक है, दो कपड़े हैं इसमें। ये देखिए ये भी बहुत प्यारी सी है, ये बहुत ही टिश्यू पेपर टाइप की है तो गर्मी में इसको बहुत अच्छी लगेगी, बट अभी नहीं, नेक्स्ट ईयर। अब ये जो है ये बहुत सुंदर सी फ्रॉक है, पर्सनली मुझे ये बहुत अच्छी लगी। ये भी है शशांक चतुर्वेदी भैया ने, बहुत ही अच्छी है। ये देखिए कितनी क्यूट है, कितनी ही प्यारी सी फ्रॉक है ये। ये से इस साल आ जाएगी और नेक्स्ट ईयर भी मम्मी कह रही है कि आ सकती है। और ये देखिए नेक्स्ट गिफ्ट है, ये दिया है रोशन भैया ने, ये भी इनके बहुत अच्छे फ्रेंड है। प्रखर भैया की भी जो ड्रेस दिखाई मैंने आपको, वो भी बहुत ही अच्छे फ्रेंड है इनके, तो इन सबको मैं जानती हूँ जो बहुत क्लोज होते हैं ना वो। और ये भी ऐसे पैक्ड वाला है जिसमें मिटन्स और ये सारी चीज़ें होती हैं। है जो बेबी को रैप करते हैं, ये वुलन में है, ऐसे करके इसको रैप करके, और स्पेडल रैप पर होता है ना, ये वुलन वाला है, तो ये हम वुलन जल्दी निकालने वाले हैं। ये नेहा नवनीत जो आए थे वो भी लेके आए थे गिफ्ट, बहुत ही प्यारे प्यारे ड्रेसेस आए। पहली बार तो इतनी दूर से आए, वही बहुत बड़ी बात है, और उन्हें ये लाने की ज़रूरत भी नहीं थी, वो आ गए, बहुत बड़ी बात है। पर इतनी क्यूट क्यूट से ड्रेसेस लेके आए हैं ना, बहुत ही क्यूट है। ये फ्रॉक है और ये वुलन है जो ठंड में पहना सकते हैं बच्चों को, फुल बाजू का, बहुत ही प्यारा है। और इसके साथ है इसमें खूब सारे टॉयज जो परिचे अभी उठ ना जाए वो, बहुत ही क्यूट है। साथ ही साथ पार्टी में इनके भैया भी आए थे, दीपक भैया और भाभी, और वो बहुत ही प्यारा कुहू के लिए लेके आए, साथ ही साथ मेरे लिए भी लेके आए हैं। तो मैं पहले कुहू का दिखाती हूँ। कुहू की कुहू के लिए टॉवल आया, बहुत ही प्यारा सा है, और ये देखिए कितनी क्यूट सी ये फ्रॉक है। ये तो अभी पहनाने का मन कर रहा है मुझे, लेकिन अभी आएगी नहीं, उसे कुछ महीने बाद आ जाएगी, है ना, अप्रैल से आएगी, नेक्स्ट अप्रैल से आ जाएगी। साथ ही साथ ये तो नेक्स्ट ईयर ही आएगी, बहुत ही सुंदर सी ड्रेस है ये। इसके साथ नीचे ये भी बहुत सुंदर है। दीपक भैया और भाभी आए, बहुत ही अच्छा लगा भाभी आप सभी आए, और इतना करने की ज़रूरत नहीं थी, आप सभी आए उतना ही काफ़ी था। लेकिन ये देखिए हमारे में क्या होता है, बिंदी सिंदूर और चूड़ी सब कुछ श्रृंगार का सामान देते हैं, और साथ ही साथ साड़ी भी बहुत प्यारी है, मैं ज़रूर तैयार करवाऊँगी भाभी। और आप सभी आए, बहुत अच्छा लगा। अब आगे बहुत सारे गिफ्ट्स हैं, जल्दी जल्दी दिखाती हूँ मैं। मेरी बुआ जी आई थी, बुआ जी का सारी चीज़ें लेके आना, बुआ जी आई थी इसके लिए इतनी सुंदर सी, पहले तो ड्रेस लेके आई। ये देखिए इतनी प्यारी सी ये ड्रेस है, रेड ब्लू एंड वाइट, इसके नीचे है ये, और साथ ही साथ है ये पिंक कलर का ठंड का। ये मुझे बहुत पर्सनली बहुत अच्छा लगा, इसको मैं जब ये रात में सोया करेगी ना तो नहला के इसको ये पहना के सिलाया करूँगी, नाइट ड्रेस टाइप का, बहुत कंफर्टेबल, बहुत अच्छा है। तो ये बुआ जी लेके आए थे कुहू के लिए, और लेके आए थे मेरे लिए सूट, बहुत ही सुंदर सा, तो देखिए रेड कलर का सूट है ये, बहुत सुंदर सा सूट है, ये मेरे लिए लेके आए थे, और साथ ही साथ कुहू के लिए आया था ये हिमालय का पूरा सेट। और बुआ जी एक सिल्वर गिफ्ट भी लेके आई थी, वो सिल्वर गिफ्ट वाली वीडियो में आप सभी को दिखेगा, यस देखने को मिलेगा जब मैं उसकी सिल्वर और गोल्ड की वीडियो अलग से बनाऊंगी। तो ये लेके आई थी बुआ जी, बहुत ही सुंदर था, मतलब बहुत सुंदर है, बहुत यूज़फुल है। अब मैं दिखाती हूँ विभा दीदी और दिलीप भैया क्या लेके आए थे। विभा दीदी और दिलीप भैया मेरी जो बीच वाली सिस्टर इन लॉ हैं, मतलब बीच वाली दीदी हैं, उनके जेठ हैं, जेठ जेठानी हैं, यस यस मैंने सही बोला तो इतना ज़्यादा ना जाके दीदी और भैया ही बोलते हैं। बहुत प्यारे प्यारे गिफ्ट्स लेके आए थे, बहुत अच्छी सुंदर सी ड्रेस है कुहू के लिए, और ये देखिए ये भी वुलन स्टफ नहीं है, अभी ठंड जैसे आने वाली है उसके साथ क्या, बहुत ही सुंदर है। और ये है पैंट, तो बहुत प्यारी लगेगी इसमें, थैंक यू दीदी, बहुत ही सुंदर लगा मुझे, खाती हूँ आप सभी को। बहुत प्यारी सी ड्रेस है, एक पिंक तो एक दीदी ने ब्लू दी है, बहुत ही अच्छी है, खूब बहुत प्यारी लगेगी इसे पहन के, बहुत ही सुंदर सी ड्रेस है। जल्दी से कुहू को पहनाएंगे, कुहू जल्दी से बड़ी हो जाए, मैं नहीं चाहती कुहू जल्दी से बड़ी हो, धीरे धीरे बड़ी हो।
अब ये एक जॉनसन्स का सेट आया है, ये भी इनके फ्रेंड ने दिया है, शशिकांत दुबे भैया ने दिया है, बहुत ही प्यारे से सेट है। जॉनसन साहब से भी ने मना किया है, तो इसे मैं यूज़ कर लूँगी। इसके लिए हिमालय के भी बहुत सारे। अब दिखाते हैं जो शारदा आंटी आई थी वो क्या लेके आए थे। शारदा आंटी आई थी, उनके लिए बहुत प्यारी सी ड्रेस लेके आई है। ये फ्रॉक बहुत प्यारी है, कलर भी बहुत पिंक कलर का बहुत अच्छा लगा मुझे। और साथ ही साथ है एक और ड्रेस और एक रैपिंग टॉवल भी थी, वो निकाल लिया है हमने। ये देखिए ये पैंट है और ये है ऊपर से फ्रॉक टाइप का, बहुत क्यूट सा है, रेड कलर का, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। दोनों ही ड्रेसेस मुझे बहुत अच्छी लगी। साथ ही साथ ये रैपिंग टॉवल इतना अच्छा है, स्वेडल रैप बहुत ही सुंदर है। ये देखिए इसमें शेर बना हुआ है और इसमें हम रैप कर लेंगे, बहुत अच्छा है। इसे रख देना। ये पूरा सेट भी शारदा आंटी ही लेके आए थे, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ कविता दीदी लेके आए थे, इतना सुंदर सा पूरा सेट जिसमें बॉटल का है और सॉक्स कम शूज हैं, ये बिब है, ईयरबड्स, पूरा सेट है ये, बहुत ही सुंदर है। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, ये लेके आए थे। इसके इतने सारे गिफ्ट्स थे ना। और ये लेके आए हैं जैसे शारदा आंटी लेके आए थे ना, वैसे ही सेम है। ये लेके आए थे कृष्ण चैतन्य भैया, बहुत ही अच्छा है ये भी कुहू खेलेगी। साथ ही साथ कुहू के लिए आया था ये जो इस पे, ये जो इस टाइप का वो नहीं होता, आई डोंट नो इसे क्या कहते हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, जो झूला टाइप का होता है उसके ऊपर लगाने का, सेम ये है। इसे खोल चुके हैं हम, लेकिन इसका जल्दी से जब हम लेके आएंगे, थोड़ी सी बड़ी होगी तब उस पे लगाएंगे। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर सा है। अब दिखाती हूँ मैं आप सभी को, एक और हिमालय का मिला था। एक तो बुआ जी लेके आए और एक इनके फ्रेंड अनिल पुंदीर भैया हैं, वो लेके आए थे। इसको तो हमने निकाल लिया है, कुहू को डेली यूज़ कर रहे हैं हिमालय का ही, जॉनसन्स नहीं यूज़ कर रहे। और साथ ही साथ एक और हिमालय का है जो ये जो ब्लू आप देख रहे हैं ना, दिस जो लोकल सेटअप बना रखा है, ये पैक्ड ही रहने दिया है हमने, क्योंकि ये भी हिमालय का ही है और ये भी बिल्कुल गिफ्ट रैप वाला ही है। ऋषि कुमार सिंह भैया ने ये हिमालय वाला दिया है जिसमें मैंने लोकल सेटअप बना रखा है। अब हमारे वहाँ से जीतू मामा जी भी आए थे, तो जीतू मामा जी क्या लाए थे, जीतू मामा जी मेरे लिए ये सूट लाए थे, बहुत सारी चीज़ें लेके आए हैं कुहू के लिए भी, और ये शर्ट पैंट का कपड़ा झाजी के लिए लेके आए थे, और ये आया है कुहू के लिए नटखट। ये है ठंड का है, ये ठंड के बहुत सुंदर से ये करते हैं, यूज़फुल चीज़ें देते हैं। हाँ, वो यूज़फुल चीज़ें देते हैं, बहुत ही सुंदर है ये ठंड में इस कुहू को बहुत अच्छा लगेगा। पिंक कलर का है, बहुत ही प्यारा है, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर। साथ ही साथ मैं दिखाती हूँ, एक झाजी की फ्रेंड है संगीता तिवारी दी हैं, उन्होंने कुहू को दिया था, थोड़ा सा बड़ा साइज़ है लेकिन बहुत प्यारा है। ये देखिए बहुत ही सुंदर सी टॉप है ये, और साथ ही साथ मिडी है। कुहू थोड़ी बड़ी होगी, थोड़ी क्या 2-3 साल की होगी तब आएगा कुहू को, बहुत ही प्यारा है ये। छोटी वाली दी लेके आए थे कुहू के लिए, बहुत ही प्यारी प्यारी ड्रेसेस। ये देखिए ये इसके साथ ये है, एक ये है इसके साथ, ये पैंट है बहुत प्यारी सी है, और साथ ही साथ एक ये वुलन टाइप का है, थोड़ा गर्म स्टफ है, एक ये भी लेके आए थे दी। और मेरी मौसी भी मेरे लिए लेके आई थी, वो मेरे लिए बहुत प्यारा सा एक येलो कलर का सूट लेके आए। ये देखिए ये सूट मेरे लिए लेके आए मौसी, बहुत प्यारा है, और कुहू के लिए भी कपड़े लेके आए थे, बहुत प्यारी सी ये ड्रेस, इसके साथ ये पैंट है, और एक ये ड्रेस है इसके साथ, ये एक पैंट, बहुत प्यारी सी है। तो ये मौसी लेके आए थे, साथ ही साथ इनके एक फ्रेंड सेम ये फ्रॉक दीदी भी लाए थे। अगर आपको याद होगा मैंने छठियार वाला ब्लॉग दिखाया था, इनके एक फ्रेंड ये फ्रॉक सेम पैंटलून से, सेम स्टफ, सेम साइज, सेम कलर लेके आए हैं, तो इसके पास ऐसी दो दो फ्रॉक हो चुकी है, बहुत सुंदर सी, ये ज़्यादा पहने दो दो है तो हफ्ते में दो बार। तो यही थी वीडियो, यही इसके इतने सारे गिफ्ट्स थे, मैंने बहुत जल्दी जल्दी हाँ सब भी दिखा दिया, हाँ हाँ दिखा दिया, तो जल्दी जल्दी दिखाने की कोशिश की है, और कुछ इधर उधर फिर भी मिस हो गया होगा मुझे पता है, क्योंकि मंदिर वाला रूम ना पूरा गिफ्ट से ऐसे भरा हुआ है, छठियार वाले गिफ्ट और उस दिन के गिफ्ट से, और सिल्वर और गोल्ड का भी मैं अभी वीडियो बना लेती हूँ, अदरवाइज इसके साथ ना वीडियो बनाना
पॉसिबल नहीं है, ये आधे आधे एक एक घंटे पे उठ जाती है, अभी छोटी सी है। और तो आप सभी को गिफ्ट्स कैसे लगे और कौन से गिफ्ट सबसे अच्छा लगा ये तो नहीं पूछूंगी मैं, क्योंकि सारे गिफ्ट्स बहुत अच्छे थे। तो ज़रूर बताना आप सभी कमेंट सेक्शन में कि वीडियो कैसी लगी और आप सभी को और कौन कौन से वीडियोज़ देखनी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और बाय से पहले सभी को ही बहुत बड़ा थैंक यू हमारी खुशियों में शामिल होने के लिए, और गिफ्ट्स तो क्या आप आए यही बहुत बड़ी बात थी, बट स्टिल सभी को क्यूरियोसिटी होती है कि क्या आया था परी के लिए। और मेरी नन्ही परी की तरफ से भी आप सभी के लिए बहुत बड़ा थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैं उठ गई है, तब तक के लिए बाय। Bye.